तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ इलाहाबाद में हुआ सबसे बड़ा फ्लावर शो शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर साल कंपनी गार्डन में होता है। और कल इसका लास्ट डे था, तो मैंने वीडियो तो शूट कल ही कर ली थी, बट बहुत सारे ऑनलाइन जो ऑर्डर्स वगैरह आते जा रहे थे उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कुछ दिनों से, और इसलिए मैं कल ये वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज जल्दी से जैसे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने आ गई हूँ। तो सबसे प्यारा और फर्स्ट प्लांट मुझे यहाँ पर एंट्रेंस में देखने मिला है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है ये ब्रैचिकोम। काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं ये, जैसे लग रहा है बिल्कुल हंस रहे हैं, इतनी गॉर्जियस इसमें ब्लूम्स आए हुए हैं। और ये पर्पल और वाइट शेड में यहाँ पर है। फिर यहाँ पर बहुत ही गॉर्जियस स्ट्रक्चर फ्लावर्स ब्लूम किए हुए हैं, और इनको प्राइज भी मिला है, ये आए हैं प्रथम प्राइज इनको मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं ये स्टॉक, इधर डबल पेटल्स में है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर से ब्लूम्स आए हुए हैं पेपर फ्लावर में, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनका पेपर फ्लावर नाम ही इसलिए होता है क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल कागज की तरीके से दिखते हैं। फिर यहाँ पर है कैलिफोर्नियन पॉपी, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, लग रहा है छोटी छोटी बटरफ्लाइज यहाँ पर बैठी हुई हैं, ढेर सारी छोटी छोटी बटरफ्लाइज। और यहाँ पर देखो हवा चलने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हंस रहे हैं, ये खिलखिला रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये सारे के सारे। यहाँ पर हैं ये सुंदर सुंदर से वेनेडियम, और यहाँ पर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और इनके जो बर्ड्स हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये इतने सॉफ्ट हैं, इतने वेलवेटी से हैं इनके बर्ड्स जो हैं, यहाँ पर देख सकते हो कितने फ्रेश, कितने ब्यूटीफुल हैं ये। और यहाँ पर खिले हैं ढेर सारे विस्केरियाज हैं यहाँ पर। विस्केरिया भी बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये सभी सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये है मिग्नोनेट, और यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी यूनिक से हैं ये, इसमें ऐसे छोटे छोटे से इस तरीके के सीड भी इसमें बनते हैं, तो सीड से ही ग्रो होते हैं ये। यहाँ पर है बहुत ही सुंदर से हेली क्राइसम, और ये देख सकते हो काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स में, येलो में भी है, इधर यहाँ पर भी कुछ है, इसका शेड कुछ अलग ही लग रहा है, काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर फाइनली मुझे मेरे फेवरेट वाले मिल गए, जो कि हैं स्कारलेट ब्लैक्स, और इसमें आप देख सकते हो कितना गॉर्जियस ब्लूम आया हुआ है, पूरे पूरे गमले ऐसे फूलों से भरे हुए हैं। यहाँ पर ये कौन सा प्लांट है, इसका तो नाम समझ में आ नहीं रहा है, और इन्होंने बोर्ड पर भी नहीं लगा रखा है, बट फ्लावरिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो रखी है। यहाँ पर है ये गॉर्जियस लाइन एरिया, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल आंखें ही नहीं हट रही, छोटे छोटे से फ्लावर्स, पूरे पूरे गमले पूरे पूरे भरे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो वाइट वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर है लार्क्सपर, और लार्क्सपर के भी तीन शेड मुझे देखने मिले, तीन नहीं चार, एक वाइट है यहाँ पर, फिर ये डार्क पर्पल, फिर लाइट पर्पल, और ये देखो ये सारे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर है थाइमोफिला या फिर डहलबर्ग डेजी, यहाँ पर देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं, बाप रे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी सी तितलियाँ हैं, पीली फ्लावर्स नहीं तितलियाँ लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मिक्की माउस जैसे पैंसी, यहाँ पर ढेर सारे वैरायटी के पैंसीज लगे हुए हैं, बहुत सारे पेंसीज हैं, यहाँ पर भी कुछ पेंसीज हैं, सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे हैं ग्लाडिया में भी काफ़ी प्यारे ब्लूम्स आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये डायमोफोथिका, और जिसे अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर है इसके येलो ऑरेंज ब्यूटीफुल शेड्स, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये सारे के सारे, देखो लग रहे हैं ना प्यारे। यहाँ पर एक ये बहुत ही सुंदर सा और बड़ा सा ब्रह्म कमल का प्लांट देखने मिला, और साथ ही में यहाँ पर है ढेर सारे प्यारे प्यारे गिलाटिया। फिर यहाँ पर है ये ढेर सारे डेजी, काफी सारे यहाँ पर इसकी
वैरायटीज वगैरह होंगी डेजी की। अभी ये मुझे वाइट वाले देखने मिले, और भी होंगे। और ये बोगनवेला देखिए कितना जायंट साइज का है और काफ़ी ही सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर है ये बहुत ही सुंदर सुंदर से क्लार्किया, तो क्लार्किया की तो बिल्कुल बाहर है यहाँ। इसमें यहाँ पर दो कलर है क्लार्किया के, और सभी में बहुत ही गॉर्जियस से ब्लूम्स आए हुए हैं। यहाँ पर है गॉर्जियस से क्राइजेंथेमम्स, एनिमल क्राइजेंथेमम्स, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये भी। यहाँ पर है प्यारे प्यारे सैनवेरिया, तो सैनवेरिया काफ़ी सारे कलर्स में है यहाँ पर, और दो तीन तरह की वैरायटी, टॉल वाली है, ड्वार्फ वाली है, तो सभी काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर सैनवेरिया का देख सकते हो काफ़ी ड्वार्फ ये हैं, इनमें भी काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स हैं। यहाँ पर फिर से आ गए ढेर सारे ब्रैचिकोम्स, तो ब्रैचिकोम ही ब्रैचिकोम है पर्पल और वाइट कलर के, बिल्कुल लग रहा है बिच गए हैं ये, इतने ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रखी है सभी में। और एक एक पॉट पूरा ऐसे भरा पड़ा है, ये वाइट वाले कितने ही अमेजिंग लग रहे हैं। पत्तियां तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। और यहाँ पर है ये बहुत ही सुंदर सा कर्ली लीफ पॉइंसेटिया, यहाँ पर ये फ्लावर्स का डक बनाई गई है। ये देखो यहाँ पर पूरा फ्लावर का पूरा जैसे छोटा सा पहाड़ टाइप का बनाया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। कितने सारे मल्टी कलर के फ्लावर्स यहाँ पर साथ में देखने में मिल रहे हैं, वाह सारे एक से बढ़ के एक लग रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। पर ढेर सारे सुंदर सुंदर से मैरीगोल्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये भी, खूब ढेर सारे ब्लूम्स आए हुए हैं। यहाँ पर भी हैं बहुत सारे मैरीगोल्ड्स, ये देखो डहेलिया कितने प्यारे लग रहे हैं, डहेलिया भी बड़े बड़े साइज के डहेलियाज। यहाँ पर देखो डांसेस की एकदम बहारें आई हुई हैं, कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं डांसेस के, सभी शेड्स हैं लगता है यहाँ पर। यहाँ पर फिर से अफ्रीकन डेजीज हैं, ये देखो डायमॉर्फोटिका, और ये देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये लाइट पर्पल और ये है डार्क पर्पल, तो डार्क पर्पल लाइट पर्पल और है वाइट। यहाँ पर है देसी पिटूनियास, यहाँ पर फिर से आकर सुंदर सुंदर से पैंसीज, कहाँ ब्लैक, हाँ यहाँ पर बहुत सारे पैंसीज हैं। और एक ये देखो कितना प्यारा सा ये ब्लैक पैंसी है, ये ब्लैक पैंसी तो बिल्कुल ही रेयर लग रहा है ना, क्यूट, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। और ये यही वाला शेड भी बहुत प्यारा लग रहा है, सभी शेड अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। यहाँ पर कुछ और लाक्सपर, और ये देखो ये और है, इसका नाम क्या होता है देखते हो, लिप्टोसिन नाम है इनका, लिप्टोसिन। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर उर्वी ऑर्गेनिक फार्म्स का भी स्टॉल लगा हुआ है, और इनके पास है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये इनकी स्टॉल है। और यहाँ पर ये लाल चावल है, इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़, और ये क्या है काला नमक, ये काला नमक चावल है, इसका है प्राइस 200 रुपीज़, ये पर केजी का रेट है। और ये क्या है विष्णु भोग, इसका रेट है 160 रुपीज़। और ये सारा कुछ एकदम ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कोई भी तरीके से केमिकल से बिल्कुल मुक्त है जी, बताएंगे तो सर कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, और उर्वी ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, और हम लोग हमारा फार्म जो है खागा में है जी, कौन से है रामेपुर गांव में जी, वहाँ पर 20 से 25 एकड़ का फार्म है अपना, जहाँ पर हम ये यूनिक चीज़ें सब पैदा करते हैं जी, मतलब देसी वैरायटी के चावल सब्जियाँ अनाज, और ये सब ऑर्गेनिक तरीके से होता है, इसमें कोई भी केमिकल जो है जैसे आजकल किसान केमिकल खेती करते हैं उसमें यूरिया डीएपी पोटास या पेस्टिसाइड डालते हैं, तो इनमें ऐसा नहीं है। जैसे यूरिया की बात करते हैं, यूरिया की जगह हम लोग बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, जो एजोटोबैक्टर है, जो स्पीलियम है, ये क्या करता है ये वातावरण की जो नाइट्रोजन है 78% उसको तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये जी। ऐसे ही आपका अगर कीट कंट्रोल करना है तो हम येलो ट्रैप ब्लू ट्रैप
लाइट ट्रैप, गेंदा और सनफ्लावर इनका ट्रैप क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सारे देसी तरीके हैं। अलाहाबाद में अपना स्टोर है, अगर आप चाहें तो यहाँ होम डिलीवरी और स्टोर पर आकर भी हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं और आने वाले समय में हम जो भी रसोई की चीजें हैं वो सब प्रोवाइड कराने वाले हैं। अच्छा, तो सर आपका ये जो स्टोर है वो है कहाँ पर? बेली रोड, ये बेली रोड में है, आप जगराम चौराहे से अंदर बेली चौराहे की तरफ जाएंगे वहीं पे आपको हमारा बेली रोड में मिलता है। तो जो एड्रेस है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो और आपका कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ जी, तो अगर एक फिक्स अमाउंट मतलब लगभग 1000 के आसपास मंगाते हैं, फ्री डिलीवरी है, मतलब कॉस्टिंग का भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 1000 अबव में फ्री डिलीवरी। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये यहाँ पर ये ब्लैक चना भी है, ये ब्लैक चना है, ये आलू ब्लैक जामुनी आलू, ब्लैक आलू, सफेद आलू, काला आलू, तो ये सारे गाजर है, ब्लैक गाजर, ये टर्मरिक बिल्कुल ऑर्गेनिक, और ये सीड्स भी बिल्कुल वैसे वाले ना, देसी टाइप के ना, हाइब्रिड नहीं। अगर कोई भी किसान इलाहाबाद के आसपास या जो भी खेती करते हैं, अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो हम उनको कंसल्टेंसी भी देते हैं, मतलब उनको टेक्निकल गाइडेंस देंगे, और यदि वो अपने बिहाफ पे हमारे गाइडेंस में उगाएंगे तो उसको हम बाई बैक भी ले लेंगे, मतलब जो भी आसपास के किसान हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये शलजम है, अभी कितना है हमारे पास, यहाँ पर भी है कुछ प्लांट्स वगैरह भी है, ये गोभी है, ये सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक आई हैं यहाँ पर।